Welcome back to our YouTube channel Quick Minds. टूडे वी विल डिस्कस क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री चैप्टर टेंथ हेलो एल्केन एंड हैलो एरिन्स बट आर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं हेलोजन डेरीवेटिव कंपाउंड्स होते हैं क्लियर है द हेलोजन डेरीवेटिव ऑफ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर आरकार्ड एल्काइल हेलाइट्स और एराइल हैलाइट्स इसको हम बोलते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स क्लियर है कि कैसे फॉर्म होते दीज आर ओपटेंट बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोजन एटम ऑफ एन एल्केन और एरिन बाय द हेलोजन एटम हम एल्केन और एरिंस जो हमारे कंपाउंड होते हैं अगर उसमें हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं बाय द हेलोजन एटम तो हमारे क्या फॉर्म होते हैं हमारे हेलो एल्केन्स और हेलो एरेंस रिस्पेक्टिवली एल्केन में रिप्लेस करेगा हाइड्रोजन एटम तो एल्केन जो हमारे कंपाउंड्स होंगे तो क्या बनेगा हमारा हेलो एल्केन्स और एरिंस जो होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड साइक्लिक कंपाउंड जनरली कौन सा होता है वगैरह जो हमारे साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं अगर इसमें हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं बाय द एक हेलोजन हेलोजन कोई भी हो सकता है तो हमारे क्या हमारा क्या बनेगा हमारा एराइल हेलाइट्स या हेलो एरिल्स क्लियर है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इन आवर डेली लाइफ यूजेस ऑफ हेलो एल्किन एंड हेलो एरिनस हेलो एल्किन्स का हमारा यूज कहाँ होता है यूज एज दोलवेंट फॉर नॉन पोलर कंपाउंड जो हमारे नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं उसमें हम एज ए सोलवेंट यूज करते हैं हम हेलो एल्किन्स और हेलो एरेंस का नेक्स्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट हमारा हेलोजन है क्लोरीन क्लोरीन जिनमें क्लोरिन कंटेनिंग जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लिए कौन सा हमारा ऐसा हेलोजन क्लोरो फेनिकोल क्लोरोफेनिकोल का हम यूज़ करते हैं इफेक्टिवली इन द ट्रीटमेंट ऑफ द टाइफाइड टाइफाइड की ट्रीटमेंट के लिए हम कौन सा हेलोजन एंटीबायोटिक तो यूज करते हैं क्लोरीन कंटेनिंग इसका नाम है क्लोरोफेनिकोल क्लियर है नेक्स्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट हमारा एक है एक और हेलोजन है आयोडीन आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन हमारी बॉडी में एक होता है थायरोक्सिन इसकी वजह से इसकी कमी की वजह से हमारी कौन सी डिजीज हो जाती है गोइटर की डिजीज हो जाती है तो दिस इज कॉल्ड डायोडीन कंटेनिंग हॉर्मोन थायरोक्सिन ये हमारी बॉडी में सीक्रेट होता है क्लियर है नेक्स्ट इज द क्लोरोक्विनिन क्लोरोक्विनिन भी बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट यूज़ है इसका ट्रीटमेंट ऑफ द मलेरिया मलेरिया की ट्रीटमेंट के लिए हम हेलो हेल्किन यूज करते हैं नेक्स्ट इज द हेलो इथे हेलोथेन हेलोथेन एक वेरी इंपॉर्टेंट हमारा हेलो एल्केन है यूज फॉर द यूज एज द एनिस्थेसिया डूरिंग द सर्जरी सर्जरी के टाइम पे जब हम एनेस्थेसिया देते हैं तो वो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं हेलोथेन इस टाइप का इसका एक फॉर्मूला होता है हेलोथेन का ये हमारा फॉर्मूला क्लियर है नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द हेलोजन डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन जो हमारे हेलोजन डेरिवेटिव हेलो एल्केन्स और एल्केलियंस हैं इनकी क्लासिफिकेशन फर्स्ट इज द एलिफैटिक एलिफैटिक हेलोजन कंपाउंड्स कौन से होते हैं हमारे दीज आर ओपटेन्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन ऐटम इन एन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जो हमारे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें हम एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन ऐटम को रिप्लेस कर देते हैं बाई दी हेलोजन एटम्स तो क्या बनता हमारा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्लियर है एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड बनते हैं दिज आर फर्दर क्लासीफाइड एज हेलो एल्किन्स इसमें क्या होता है एल्किन्स में क्या होता है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है हेलो एल्किन्स इसमें क्या हो जाएगा जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाएगा हमारा दम इसे हेलोजन से क्लियर है तो क्या बनेगा हमारा हेलो एल्किन्स एल्किन्स में क्या हो जाएगा कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा और हेलो आइ एल्काइंस होती है जो हमारी उसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो इसमें हमारे जो हाइड्रोजन एटम होता है वो किससे रिप्लेस कर देंगे हम इसको हेलोजन से रिप्लेस कर देंगे क्लियर तो यह हमारा बनेगा एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड्स क्लियर नेक्स्ट इज द हेलोजन कंपाउंड एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड्स कौन से होते हैं दीज आर कंपाउंड विच आर ओपटेंट बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बाय इक्वल नंबर ऑफ हेलोजन एटम इसमें क्या होता है जो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं क्लियर दिस इज हमारा एरोमेटिक हाइड्रो एरोमेटिक बेंजिन हो गया ये बेंजिन कंपाउंड जिसमें क्या होता है हमारा जो हाइड्रोजन उसको रिप्लेस कर देते हैं हम हेलोजन से तो क्या बनेगा हमारा बनेगा एरोमेटिक एरोमेटिकलोजन कंपाउंड वन और मोर जो हाइड्रोजन एटम इसको रिप्लेस करेंगे तो हेलोजन एटम से तो क्या बनेगा हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्लियर तो ये इसकी दो मेन क्लासिफिकेशन हो गया एलोफेटिक और एरोमेटिक क्लियर है नेक्स्ट इज द न्यूक्लियर डेरिवेटिव डेरीवेटिव न्यूक्लियर हाइड्रोजन डेरिवेटिव कौन से होते हैं हमारे देश आर ड्राइव्ड बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोजन अटैच एटम टू द बैंजिन एरोमेटिकलोजन डेरिवेटिव होते हैं उसमें हम रिप्लेस कर देते हैं हमारा जो जो हमारा हाइड्रोजन ऐटम उसको रिप्लेस कर देते हैं हम किसी भी हेलोजन से तो क्या बनेगा हमारा न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव क्लियर है नेक्स्ट होता है हमारा साइड चेन इसमें क्या होता है हमारा जो मेन जो इससे बेंजीन रिंग में जो हमारा कार्बन अटैच है उसी से हम इसको रिप्लेस उसी के जो हाइड्रोजन आइटम है उसी को रिप्लेस करेंगे हम हेलोजन ऐटम से लेकिन जो साइड चेन हेलोजन डेरिवेटिव होते हैं उनसे होते हैं दिज आर डेरिवेटिव रिप्लेसिंग हाइड्रोजन ऐटम फ्रॉम द साइड चेन जो हमारी साइड चेन साइड में जो हमारा एल्काइल ग्रुप है एल्केन ग्रुप है तो इसमें हम जो साइड चेन है इसमें हम इसमें क्या अटैच करेंगे इसके हाइड्रोजन ऐटम को रिप्लेस करेंगे बाई दी हेलोजन दिज आर आर डेरीवेटिव

दीज आर कार्ड द साइड चेन सब्सटीट्यूट एराइल हेलाइड इसको हम बोलेंगे साइड चेन सब्सटीट्यूट एराइल हेलाइड है। होते हैं हमारे क्लियर है जो ये एक्स अटैच है ये क्या हमारा हेलोजन ग्रुप है क्लियर है मेन रिंग से अटैच है तो क्यों जा बने, कौन बनेगा हमारा न्यूक्लियर हैलोजन है। डेरीवेटिव और साइड चेन से अटैच है तो क्या बनेगा हमारा साइड चेन हेलोजन डेरीवेटिव क्लियर है, है� तो ये हो गया इसकी दो क्लासिफिकेशन नेक्स्ट इज द फर्दर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन ऐटम अब जितने हेलोजन आइटम अटैच होंगे उस हिसाब से इसकी क्लासिफिकेशन अगर सिंगल वन अटैच है वन हेलोजन ऐटम अटैच है तो क्या बनेगा मोनो अगर टू हेलोजन अटैच हैं तो डाई और थ्री अटैच है तो ट्राई और फोर है तो टेट्रा और अगर ऐसे ऐसे बहुत सारे पोली एन हैं तो क्या बनेगा पोली हेलोजन कंपाउंड बनेगा क्लियर है तो देखते हैं इसकी क्लासिफिकेशन फर्स्ट इज द मोनो हेलो तो इसमें जो हमारा ये हमारा हेलोजन अटैच है सिंगल अटैच है तो क्या बन गया हमारा मोनो हेलो एल्केन्स नेक्स्ट इज दिस इज फर्स्ट नेक्स्ट इज द डाई हेलो एल्केन डाई हेलो एल्किन इसमें कितने हेलोजन अटैच हो जाएंगे हमारे टू हेलोजन अटैच हो जाएंगे तो so, क्या बन जाएगा हमारा डाई हेलो एल्केन नेक्स्ट इज अगर थ्री अटैच है तो क्या बन जाएगा हमारा ट्राई हेलो एल्केन क्लियर है इसी तरह से एरोमेटिक कंपाउंड्स में कैसे बनेगा दिस इज हमारा एरोमेटिक कंपाउंड इसमें हमारा ये अटैच है तो बनेगा हमारा मोनो हेलो एरिन नेक्स्ट अगर दो अटैच है तो कौन सा बन जाएगा हमारे डाई हेलो एरिन नेक्स्ट इज द ट्राई हेलो एरिन क्लियर है नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज कंपाउंड कंटेनिंग एस पी थ्री हाइब्रोडाइजेशन सी एक्स बोर्ड जो इसमें कार्बन अटैच है कार्बन जिससे हमारा हाइड्रोजन को जिसमें से हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं बाय दी हेलोजन तो उस वो कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगी उसकी एस पी थ्री तो वो कौन से होते हैं हमारे उस इस कंपाउंड कंटेनिंग एसपी थ्री हाइबर डाइजेशन के हिसाब से हमारे क्लासिफिकेशन है फर्स्ट इज एल्काइल हेलाइड और हेलो एल्किन एल्काइल हेलाइड्स और हेलो एल्किन्स इस क्लासिफिकेशन में क्या होता है हेलोजन आइटम इज बॉन्डेड टू एल्काइल ग्रुप जो हेलोजन आइटम किससे हेलोजन आइटम किससे बॉन्ड होता है इसमें एल्काइल ग्रुप से क्लियर है तो कौन सा बनेगा हमारा एल्काइल हेलाइड बनेंगे या हेलो एल्किन बनेगा जो इसमें कार्बन एटम होगा वो किसकी कौनसी हाइब्रिडाइजेशन होगी इसके sp3 हाइब्रिडाइजेशन ठीक है तो इसमें इसकी फर्दर क्लासीफाई करके प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी एल्काइल हेलाइट है, को फर्दर क्ला क्लासीफाई किया प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी प्राइमरी कौन सा होता है जो इसमें कार्बन अटैच जिससे हमारा हेलोजन हम अटैच करते हैं ये किससे एक और कार्बन से अटैच होता है तो इसको हमने नाम दिया बाकी तो क्या है इसके हाइड्रोजन से कनेक्ट है कार्बन और एक किसे कनेक्ट हमारा हेलोजन से और एक और हमारा किसे कनेक्ट है ये अगर एक और कार्बन एटम से कनेक्ट है तो बन जाएगा प्राइमरी अगर कार्बन sp3 sp3 थ्री थ्री वाला कार्बन अगर टू हमारे और अलग कार्बन एटम से कनेक्ट है तो क्या बन जाएगा हमारा सेकेंडरी सेकेंडरी एल्काइल हेलाइड बन जाएगा थर्ड अगर इसमें अगर हमारा कार्बन थ्री और कार्बन एटम्स कार्बन से कनेक्ट है और एक हमारा क्या कनेक्ट है इसपे हमारा हेलोजन कनेक्ट है तो और जो बाकी के थ्री बॉन्ड है कनेक्ट हमारे थ्री अलग कार्बन एटम से कनेक्ट है तो हमारा बन जाएगा टर्शरी तो ये इसकी एल्काइल हेलाइट की और फर्दर क्लासिफिकेशन है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी क्लियर है जो हेलोजन आइटम इसमें किससे बॉन्ड होता है हमारा एल्काइल ग्रुप से बॉन्ड होता है क्लियर वो जो कार्बन एटम जो कार्बन है सी एक्स बॉन्ड जिससे हमारा हाइलोजन अटैच है वो कौन सी हाइबरटाइजेशन उसकी थी है एस पी थ्री इसमें कितने बॉन्ड बना रखे इसने इसमें एस पी थ्री हाइब्रोडाइजेशन कैसे होगी इसमें कितने बॉन्ड बना रखे कार्बन ने फोर बॉन्ड बना रखे हैं तो थ्री पी ऑर्बिटल वन एस ऑर्बिटल तो क्या बनेगी इसकी कौन सी हाइबर्टाइजेशन होगी इसकी एस पी थ्री हाइबरडाइजेशन इन सब में किसकी कौन सी हाइबरटाइजेशन उसकी हो होगी इसकी एस पी थ्री हाइबर क्लियर है नेक्स्ट इज द नेक्स्ट इसकी क्लासिफिकेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बीच पे एल्काइक अल, एलाइलिक हैलाइड एलाइलिक हैलाइड्स कौन से होते हैं हमारे हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन एटम नेक्स्ट टू इसमें क्या होता है कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है हमारा डबल बॉन्ड होता है और इससे हमारा कनेक्ट होता है हमारा हेलोजन क्लियर है तो जो हैलोजन एटम है वो किससे बॉन्ड होगा sp3 थ्री कार्बन डाइजेशन से और कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा डबल बोंड हो तो कौन से कंपाउंड बनेगा हमारे एलाइलिकलाइड्स क्लियर है नेक्स्ट इज द बेंजाइलिकलाइड बेंजाइलिक नाम से पता लग रहा है बेंजिन कंटेनिंग कंपाउंड क्लियर है तो बेंजिनिंग बेंजिन कंटेनिंग कंपाउंड से हमारा एक एल्काइल ग्रुप अटैच हो जाएगा हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू एस पी थ्री हाइबर इसमें कौन से होती है एस पी टू हाइबरडाइजेशन लेकिन इसका ये किस कनेक्ट होगा एक अल्काइल ग्रुप से तो और उससे उसकी क्या हाइबरडाइजेशन होगी इसकी एस पी थ्री हाइबर नेक्स्ट टू एरोमेटिक कंपाउंड जो एरोमेटिक कंपाउंड है उससे हमारा क्या कनेक्ट होगा हेलोजन कंटेनिंग एल्काइल ग्रुप तो ये हो गया हमारा बेंजाइलिक बेन्जाइलिकलाइड क्लियर है नेक्स्ट इज द कंपाउंड कंटेनिंग द एस पी टू सी एक्स बॉन्ड हाइबरडाइजेशन जो कार्बन कार्बन कर्ब, इसमें कौन से कार्बन इस कार्बन की कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन ये जो फैले वाले थे इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन सी हाइब्रिडाइजेशन थी एसपी थ्री हाइब्रिडाइजेशन क्लियर है फर्स्ट इज द विनाइलिक विनाइलिकलाइड्स एंड नेक्स्ट इज द एराइलिक एराइल हैलाइट्स ये इसके दो क्लासिफिकेशन इन कंपाउंड्स की कंपाउंड कंटेनिंग एस पी टू सी एक्स बोंड हाइबर क्लियर है तो ये दो हम डिस्कस करते हैं विनाइलिक विनाइलिकलाइड्स होते हैं हमारे हेलोजन एटम इज़ बॉन्डेड टू एस पी टू हाइबर कार्बन एटम ऑफ सी सी बोंड कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा ये डबल बोंड होगा और इससे हमारा क्या कनेक्ट होगा हमारा हेलोजन कनेक्ट होगा क्लियर है तो ये हो जाएगा हमारा विनाइलिक हैलाइड्स दिए बनेगा हमारा एरोमेटिक कंपाउंड इसमें किससे कनेक्ट होगा हमारा ऐसे कनेक्ट होगा क्लियर है बेंजीन से क्लियर तो ये हो गया हमारा विनाइलिक हैलाइड्स बनेंगे इसमें क्या होगा जो कार्बन होगा प्रेजेंट जो कार्बन से जो हमारा बॉन्ड अटैच होगा हैलोजन वो उससे इसकी कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्लियर है कौन सी होगी हमारी एसपी टू हाइबरडाइजेशन ऑफ कार्बन आइटम क्लियर नेक्स्ट इज द एराइल हेलाइट्स एराइल हेलाइट्स कौन से होंगे हेलोजन आइटम इज बॉन्डेड टू एस पी टू हाइबरडाइज कार्बन एटम ऑफ एन एरोमेटिक नाम से पता लग रहा है एराइल हेलाइट्स कौन से बनेंगे कार्बन किससे इसमें कार्बन इससे किससे कनेक्ट होगा जो एरोमेटिक रिंग्स होंगे वहां पे हमारा हेलोजन आइटम बॉन्ड हेलोजन आइटम अटैच होगा और क्या बनेगा हमारा एराइल हैलाइट्स और कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी एस पी टू हाइबरडाइजेशन तो इसकी डिफरेंट डिफरेंट क्लासीफिकेशन हो गई फर्स्ट कौन सी हुई थी हमारी एल्काइल हेलाइट्स बनेंगी एल्काइल हेलाइट्स एराइल हेलाइट्स और बेंजाइल कौन सी बनेगी एल्काइल हेलाइट्स एस पी टू एस पी थ्री हाइबर्टाइजेशन की कौन सी होगी फर्स्ट इज एल्का्का्का्का्काइल हैलाइट नेक्स्ट इज द एलाइलिकलाइड एंड बेंजाइलिकलाइड्स ये इसकी थ्री क्लासिफिकेशन है और एसपी टू हाइवर के लिए है विनाइलिक ऑन एल एराइल हेलाइड्स तो ये आज हमने इसकी पढ़ी क्लासिफिकेशन ऑफ द हेलो हेलो एल्किस एंड हेलो एर नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसकी नॉमन क्लेचर को और इसकी प्रिपरेशन मेथड को क्लियर है कोई डाउट और क्यूरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो